सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सुरयांचल द वीजा ऑफिस तो अगेन स्वागत करता हूँ। सो जिवें कि थोनू पता ही है, द वीजा ऑफिस इमीग्रेशन तो संबंधित हर तरह की जानकारी थोनू प्रोवाइड करता रहता है। नवे नवे अपडेट्स चाहे वह स्टडी वीजा लैके है, चाहे वह टूरिस्ट वीजा लैके है, थोड़े नाल साझा करता है। सो एक जी आप पहल की है कि आप रोज़ एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, नवे एक इंस्टीट्यूट लैके थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो किसी भी तरह की थोड़े तो डिले ना हो, प्रोग्राम तो चूक ना जाओ। रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सबसक्राइब जरूर करो, बैल आइकन पर क्लिक करो ताकि जिवें ही असीं नवा एक वीडियो अपलोड करांगे तुहानूं नाल दी नाल नोटिफिकेशन मिले और तुसीं वीडियो देख सको। सो अज जिहड़ा प्रोग्राम रहेगा वह एक अजिहे इंस्टीट्यूट के बारे रहेगा जिथे सब तो वड्डा बेनीफिट रहेगा तुहाडे पी आर नूं लैके। पी आर बहुत जल्दी हो जाती है जिस प्रोविंस के अंदर आ इंस्टीट्यूट है। सो इस प्रोविंस का नाम है जी मैकेंजी कॉलेज, जो कि न्यू ब्रंसविक के अंदर है। तो इतने मनिया जाता है कि न्यू ब्रंसविक के अंदर जो कि है भी कि थोड़ी पी आर जो है इतने बहुत ईजीली तो बहुत फास्टेस्ट होंगी है। आप कंपेरिजन रखिए बाकी अदर स्टेट्स तो या प्रोविंसिस तो कैनेडा के अंदर। सो आप मैकेंजी कॉलेज में अगे लैके चलते हैं। ये जरा एक कॉलेज का कैंपस हैगा नोवा स्कोशिया के अंदर, एक प्राइवेट कैंपस यदा है। जेडे प्रोग्राम्स है वो बहुत स्पेसिफिक, बहुत अच्छे प्रोग्राम है जो कि हो सकता है तो किसी और प्रोविंस के अंदर ना मिलन। रीजन बीइंग जो प्रोग्राम है वो सारे स्किल्ड बेसिस है और यंगस्टर वास्ते आ जो आज दी आईटी लाइन के अंदर आप देखते हैं आने वाला टाइम डिजिटलाइज होने वाला है, हर चीज डिजिटल हो रही है, उसको देखते दे हुए इस कॉलेज के अंदर जो प्रोग्राम है वो बहुत वधिया प्रोग्राम दिए गए। मैं थोड़ा उन्होंने प्रोग्राम्स बारे भी अगर दसूंगा। सो गल करते हैं रिक्वायरमेंट की। सो इतने अंडर ग्रैजुएट प्रोग्राम्स भी मिलेंगे तो और पीजी प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। सो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट के अंदर तो एडमिशन लैन वास्ते दैट इज 50%, थोड़ी प्रीवियस स्टडी के अंदर 50% स्कोर है, तुसी ईजीली अपना एडमिशन ले सकते हो। जे आप गल करते हैं आयल्स की तो को 6 बैंड होने जरूरी है, एक मोड्यूल के अंदर 5.5 हो गए तो भी चल जाएंगे। सो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी सेम 50% एंड 6 अगर थोड़ा स्कोर है और एक 5.5 है स्टिल यू कैन गैट एन एडमिशन इन दिस कॉलेज। सो जो यूजी प्रोग्राम है तकरीबन 2 साल के भी मिल जाएंगे, पीजी प्रोग्राम साल के इस कॉलेज के अंदर अवेलेबल रहेंगे। सो जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली मिल सकता है थोड़ा जहा हायर बाकी कॉलेज तो। रीजन भी जो कॉलेज बाकी प्रोविंसेस के अंदर है, आप बाकी गवर्नमेंट फंडेड या प्राइवेट कॉलेजेस की गल करिए उत्थे हर तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे है। तुसी अपने बिजनेस दे लै सकते हो, अकाउंट्स दे लै सकते हो या बाकी किसी भी स्ट्रीम के अंदर तुसी जाके एडमिशन अपना लेना चाहो। बस स्पेसिफिकली अगर मैं गल करा इस कॉलेज के अंदर जो प्रोग्राम है वो है विजुअल आर्ट फाउंडेशन, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो गेम आर्ट, टीवी एंड गेम एनीमेशन, फोटोग्राफी, मीडिया आर्ट्स एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो यह जो प्रोग्राम है जेडे थोनू थोड़े करियर के अंदर थोड़ा जेड़ा फ्यूचर रहेगा वह बहुत ब्राइट हो सकता है। हर एक जगह पर थोनू पता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स करन तो बाद जॉब्स की कमी नहीं रहेगी। इसी करके थोड़ा जहा प्रोग्राम, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रोग्राम होने हैं, स्किल्ड बेसिस प्रोग्राम है, थोड़ा जहा हायर साइड जा सकते हैं। स्टिल जी यदि शॉर्ट पीरियड के प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाते हैं तकरीबन 6300 कैनेडियन डॉलर तो, ये जो रेंज हैगी है वो इट कुड बी लाइक 22,000 to 23,000 कैनेडियन डॉलर। सो थोड़ी जी फीस जरूर ज्यादा है मैं मानता इस चीज़ को, बट थोड़ा जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट रहेगा, थोड़ी पी आर भी जल्दी हो जानी है। सो तुहानू बहुत लेंथी प्रोग्राम्स नूं स्टडी करन दी लोड़ नहीं पएगी इस कॉलेज के अंदर अगर आप स्पेसिफिकली गल करते हैं। सो जिहड़े मैं प्रोग्राम दसे है सारे एक्सकलूसिव प्रोग्राम सीगे, फीस स्ट्रक्चर ठीक है, आल्स जिहड़ी हैगी है 6 नॉट लैस दैन 5.5 एक मॉड्यूल के अंदर तुसी एडमिशन ले सकते हो। सो अगर तुसी अपने फ्यूचर नूं ब्राइट करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कोई जॉब के अंदर कमी ना आए, पी आर के अंदर कमी ना आए, तो आ कॉलेज बिल्कुल परफेक्ट है, तुहानू बिल्कुल एडमिशन लेना चाहिए इस कॉलेज के अंदर। वधेरी जानकारी लई तुसी द वीजा ऑफिस की टीम नूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इस कॉलेज बारे होर जानकारी ले सकते हो। सो नैक्सट टाइम मिलते हैं एक नवे वीडियो के नाल, तद तक लई थैंक यू सो मच।